कर्नाटक में चल रहा सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल हंगामे के बीच विश्वास मत पर चुनाव नहीं हुआ और ये सियासी ड्रामा कल रात भर चला। कल रात स्पीकर से नाराज होकर बीजेपी विधायक पूरी रात विधानसभा में ही सोए रहे। आज भी कुमारस्वामी सरकार का शक्ति प्रदर्शन नहीं हो सका। मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान कहा कि 14 माह के बाद हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। JDS कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के साथ ही उसे गिराने के लिए माहौल तैयार किया जाने लगा। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि मैं किसी के आगे नहीं हाथ जोड़ूंगा, लेकिन वे अब भी भगवान से यही सवाल पूछते हैं कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। तो वहीं कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष BS येदियुरप्पा ने गठबंधन सरकार के गिर जाने का अनुमान व्यक्त किया और कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्र नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के बाद भावी कार्यक्रम तय करेगी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को शुक्रवार 1:30 बजे तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था। येदियुरप्पा ने कहा कि खास तौर पर आज कांग्रेस JDS सरकार के कुशासन का अंत हो जाएगा। मुख्यमंत्री अपना विदाई भाषण देंगे, हम उसे ध्यान से सुनेंगे। कर्नाटक के स्पीकर KR रमेश कुमार ने कहा कि जो मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं वह पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देख ले। जो कि मुझे नहीं जानता है वह जानता है कि मेरे पास दूसरों की तरह लाखों रुपए नहीं हैं।